सो फाइनली दोस्तों, आप सभी को पता ही है कि मालती चौहान जी इस दुनिया को छोड़कर चली गई हैं। तो यहाँ पर गांव के लोगों को और सोशल मीडिया का जमावड़ा है और पुलिस छानबीन कर रही मामले का। तो चलिए थोड़ा से क्लिप के माध्यम से आप सभी को जानकारी देते हैं इस मामले में हुआ क्या, आप सभी को बताने की कोशिश करते हैं इसमें कैसा हुआ क्या हुआ। और फिलहाल देखिए, पूरा गांव यहां पर इकट्ठा हुआ शोक संवेदना व्यक्त करते हुए, और पुलिस भी है जांच पड़ताल में लगी हुई। तो चलिए आगे दिखाते हैं कुछ। अर्जुन जी से शादी करना चाहते हैं क्योंकि हम उनसे शादी नहीं करेंगे तो हम जी नहीं पाएंगे। हम वैसे भी हम बदनाम हो गए हैं इतना, तो हम उन्हीं के साथ रहेंगे। तो जैसा कि दोस्तों आप ये वीडियो क्लिप देखकर समझ ही गए होंगे कि मैं दिखाना क्या चाह रहा था आप सभी को। आप सभी लोग मोबाइल खोलते ही एक समाचार बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है, वो तुरंत अपने मोबाइल पे पाते होंगे कि मालती चौहान ने आत्महत्या कर लिया है। तो इस मामले में होना क्या चाहिए? तो दोस्तों, आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि बहुत से मीडिया भाई लोग, पत्रकार, यूट्यूबर कह सकते हैं, वो एक्चुअली पत्रकार होते नहीं हैं। फिर से सबसे पहले आप लोग इस वीडियो क्लिप को ध्यान से सुनिए, उसके बाद बताइए। आज हम यहाँ पे आए दोस्तों जो कि शादी कराने इन लोगों का, क्योंकि मालती हमसे जब वहाँ से आई हैं तो बोली है कि हम देखो कुछ भी होगा हम अर्जुन के बिना नहीं रह पाएंगे और नहीं रह पाएंगे। और भैया भी अभी फोन पे किए, हम बोले अगर आप दोनों शादी करना चाहते हैं तो हम करा देते हैं, मंजूर है आपको? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत बोलो, हमको कोई दिक्कत नहीं है, तेज से बोलो। कोई दिक्कत नहीं कर रही हो ना? कोई दबाव तो नहीं ना? मैं तुमको जबरदस्ती नहीं कर रहा हूँ। कोई बात नहीं है, इनके साथ शादी करके खुश रहोगी? शादी करोगी? सामने देख के बोलो। हाँ, बोलो। हाँ दोस्तों, हम अर्जुन जी से शादी करना चाहते हैं क्योंकि हम उनसे शादी नहीं करेंगे तो हम जी नहीं पाएंगे। हम वैसे भी हम बदनाम हो गए हैं इतना, तो हम उन्हीं के साथ रहेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को ये पता ही चल गया होगा कि मालती चौहान अपने मुंह से कह रही है कि वो अर्जुन से शादी करना चाहती है और अर्जुन के बिना जी नहीं सकती। जी हाँ दोस्तों, एक शादीशुदा औरत अपने पति को छोड़कर अपने पति के ही सामने अगर इस तरीके से करतूत करती है तो जान लीजिए उसका दिल कितना बड़ा होगा और कितना हद तक जा सकती है। खैर दोस्तों, मैं किसी को दोषी नहीं ठहराऊंगा, थोड़ा से और क्लिप देखिए और आगे बताता हूँ क्या हुआ। मैं इस हालत में मालती हमारे यहाँ से जा रही हूँ, तो आगे ये भी मत कहना कि चार दिन के बाद मजे लेके अगर छोड़ दें तो। बोलिए भैया, ऐसा नहीं करेंगे, चार दिन मजे लेने के बाद छोड़ देंगे? तो दोस्तों आज देखिए सब, नहीं देखिए सीधे बताइए क्या ऐसा नहीं? ऐसी कोई बात नहीं है, आपके लेके जा रहा, आपके परिवार के लोग अगर कुछ कहेंगे तब? कुछ नहीं कहेंगे दोस्तों। परिस्थितियां कितनी भी विपरीत हो, लेकिन आत्महत्या करना, सुसाइड करना, ये परिस्थितियों का हल नहीं होता। हल होता है परिस्थितियों से लड़ना, झेलना, आगे बढ़ना और दुनिया को दिखाना कि हम क्या थे, क्या हैं, ये हल होता है। तो दोस्तों बने रहिए वीडियो में, और क्लिप आप सभी को दिखाते हैं। तो ज़्यादा आप सभी से बहस ना करते हुए मेन टॉपिक पर और मुद्दे पे बात करते हैं, इसमें होना क्या चाहिए और हुआ क्या और लोग क्या कर रहे हैं। तो चलिए पहले बात करते हैं कारण का। अब आप लोगों ने शादी का वीडियो देख लिया, मालती चौहान शादी कर रही थी अब तक अर्जुन जी से, वहाँ अर्जुन से भी शादी करके वो नहीं खुश हुई, फिर से वो अपने ससुराल जाना चाहती थी। चलिए देखिए दोस्तों इस क्लिप में वो रो रो के कैसे बोल रही कि मैं ससुराल जा रही हूँ। बहुत से यूट्यूबर भाई लोग एक माइक लेकर दौड़ रहे हैं आगे पीछे, वो बता रहे हैं सब, पल पल की अपडेट दे रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, थंबनेल कुछ और लगा है और अंदर वीडियो में कुछ और दिखा रहे हैं। तो दोस्तों ये क्या है, फालतूगिरी है ना, बस दूसरे के नाम के चक्कर में अपना नाम रोशन करना।
अभी इनका भी बयान आप लोग देख लिए, मालती चौहान का बयान देख लिए, और इस मालती चौहान अपने ससुराल गई, वहाँ पर हमें लगता है कि बस मीडिया के मुताबिक जैसा कि सूत्र देख रहे हैं हम लोग मोबाइल में, वो यही बता रहे हैं कि बस 24 घंटा हुए होंगे ज्यादा ज्यादा, उसके बाद उसने आत्महत्या कर लिया। कर पे वो वायरल है ना एकदम, बात गाड़ी में वायरल कर दे, दम होते गाड़ी में वायरल कर दे अभी है बा गाड़ी में औका ते का है झगड़ा हमसे करता है तो गाड़ी में औका तो वायरल कर दे हमारे हमारे कुकुर कट लेवा झगड़ा का ई बताओ कुकुर कट लेवा ते नाय कर भी काहे ना दिन करी काहे भागत गाड़ फाट गए हमें उनाय सुनाय बा टिक टिक का ना बनाय के दे जूते जाय बे जी आय बा सुहाय फ्रेंड। आप लोग वीडियो देखने के बाद निष्कर्ष पर पहुंच गए होंगे कि अब होना क्या चाहिए, कमेंट करके बताइए अपना विचार, निष्पक्ष बताइए, जांच होना चाहिए। और बस आप सभी को बस इशारा देना चाहूँगा कि जब दो आदमी के बीच में रिश्ता होता है, अगर तीसरा कूदा तो मान के चलिए वो रिश्ता खराब ही होगा, अच्छा नहीं होगा। और अगर तीसरा कोई एंट्री मारता है तो सामने वाला पार्टनर जो होता है, आपका हस्बैंड हो या वाइफ, उसे तो ईमानदार रहना चाहिए, उसे तो अच्छे से रहना चाहिए। लेकिन जब वो दोनों तरफ के चक्कर में पड़ जाता है तो खुद डिप्रेशन में आ जाता है और उसे समझ में नहीं आता कि क्या करें, उसको दोनों तरफ माया लगने लगता है तो अंत में वो वही कर लेता है जो नहीं करना चाहिए। गाइस जो भी हुआ ये गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। हम खेद प्रकट करते हैं, हम उनके परिवार के प्रति, मालती चौहान जी के परिवार के प्रति अपना संवेदना प्रकट करते हैं और भगवान उनको स्वर्ग में स्थान दे, बस यही कहना चाहेंगे। और दोस्तों लास्ट में एक बात फिर से बोलना चाहता हूँ, हमें उत्तर प्रदेश पुलिस पर गर्व है और हमें अपने प्रदेश सरकार पर अभी विश्वास है कि इसमें निष्पक्ष जांच होगी और जो भी आरोपी होगा उसे उचित कार्रवाई उसके खिलाफ़ की जाएगी और उसे सज़ा दिलाया जाएगा। चलिए दोस्तों बस।